गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मोहित अरोड़ा एंड टुडे वी आर डिस्कस फिफ्थ चैप्टर। ठीक है, फोर्थ यूनिट का फिफ्थ चैप्टर आज अपने डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट ऑफ सेफ फूड एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड। ठीक है, ये तुम्हारे सिलेबस के अंदर है तो इसको आज अपने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड लो की बात कर लेते हैं। क्वालिटी इज़ हाउ वेल ए प्रोडक्ट और सर्विस सेटिस्फाई द नीड ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, क्वालिटी और स्टैंडर्ड क्या होता है कि आप ऐसी क्वालिटी दीजिए कि जिससे कंज्यूमर की जो नीड है वो सेटिस्फाई हो। दिस इंक्लूड आर एक्सपेक्ट रिलेटेड टू द नीड ऑफ द कंज्यूमर सच एज क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, सेफ्टी, डिलीवरी मेथड ऑफ रेट एंड प्राइस। ये सारी जो डिमांड्स होती हैं, कस्टमर की नीड होती है वो फुलफिल होनी चाहिए। क्वालिटी कैन बी इंटरप्रेटेड इन सेवरल वेज एज कंफर्मेंस टू द स्टैंडर्ड एंड मीटिंग कस्टमर प्रिफर एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी के अंदर। ठीक है, एट्रीब्यूट डिग्री ऑफ एक्सीलेंट एंड जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट। ठीक है, जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट है बिकॉज ऑफ एजुकेशन एंड कॉन्सिक्वेंस ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर एम्प्लीकेशन ऑफ पुअर क्वालिटी कमोडिटी इन रिसेंट ईयर। ओके, कंज्यूम हैव बिकम क्विकली कॉन्शियस एंड दैट फैक्ट इज ऑल्सो कैपेबल टू फूड एंड फूड प्रोडक्ट। ओके, इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन कम्पिटिटिवनेस क्वालिटी मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड थ्रू द वैल्यू एडेड चेन राइट फ्रॉम द हार्वेस्टिंग, हैंडलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन स्टे, स्पेशली इन द केस ऑफ फूड एंड फूड प्रोडक्ट। ठीक है, अब ध्यान से सुनना स्टूडेंट, क्या है इस पैराग्राफ के अंदर बोला गया है। इस पैराग्राफ के अंदर यह बोला गया है कि जो स्टैंडर्ड होने चाहिए फूड जो आप डिलीवर कर रहे हो, स्टैंडर्ड होने चाहिए वो प्रॉपर तरह से स्टैंडर्ड जो है उसके पैरामीटर पर खरे उतरे जहाँ भी आप डिलीवरी कर रहे हो। ठीक है, डिलीवरी आप किसी प्रोडक्ट की कर रहे हो तो वो एक्सीलेंस तरीके से करो, किसी तरह का कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर डिफेक्ट होगा मीन्स उसकी क्वालिटी आपने डाउन की है। ठीक है, तो अगर उसका वैल्यू एडिड कोई भी प्रोडक्ट बनाना है किसी भी प्रोडक्ट का, तो उसकी हार्वेस्टिंग है, हैंडलिंग है, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के जो भी पैरामीटर है उसको ध्यान से फॉलो किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बोली गई हैं। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी के क्या क्या एलिमेंट है। बेसिक फंक्शन ऑफ ए क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम, फिजिकल एंड केमिकल इवेल्युएशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्रोसेस फूड। ठीक है, तो फिजिकल और केमिकल इवेल्युएशन जो है रॉ मटेरियल का, प्रोसेस फूड का, वो क्या है उसका इवेल्युएशन करना चाहिए। ठीक है, कि जो फिजिकल और केमिकल जो मटेरियल है वो सही है या नहीं है। फिजिकल वो होता है जो बाहर से हमें देखने में सही लगे, केमिकल वो होता है उसके अंदर का जो केमिकल कंपोजिशन है उसको केमिकल बोलते हैं, केमिकल ऑफ रॉ मटेरियल बोलते हैं, तो वो सही होना चाहिए। सपोज अगर आप एप्पल का जैम बना रहे हो तो एप्पल अगर साफ़ सुथरे गले हुए हैं फिर तो जैम भी उसका सही नहीं बनेगा, लेकिन अगर एप्पल साफ़ सुथरे हैं तो उसका जैम और उसका वैल्यू एडिड प्रोडक्ट भी अच्छा बनेगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है इन प्रोसेस कंट्रोल ऑफ, तो जब आप फ्रूट या वेजिटेबल की प्रोसेसिंग कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ें कंट्रोल आपके अंदर होनी चाहिए। रॉ मटेरियल क्या यूज़ कर रहे हो आप, इंटीग्रेटेड क्या इंटीग्रेडिएंट्स क्या यूज़ कर रहे हो, पैकेजिंग सप्लाईज कैसे कर रही है, प्रोसेसिंग पैरामीटर क्या क्या है उनको फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मतलब जैम 105 डिग्री टेम्परेचर पर पकता है तो इतना ही डिग्री टेम्परेचर पर वो पकाना चाहिए। फिनिश्ड प्रोडक्ट है, ठीक है, जो फिनिश प्रोडक्ट बनेगा वो सही होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस एंड देयर कंट्रोल इन रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट। जो उसका माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस भी करना चाहिए कि उसके अंदर कोई फंगस बैक्टीरिया ग्रो तो नहीं कर गया या फंगस बैक्टीरिया तो नहीं लग गए हैं, ये सारा क्या है उसमें चेक करना चाहिए। कंट्रोल ऑफ स्टोरेज एंड हैंडलिंग कंडीशन, ठीक है, स्टोरेज और हैंडलिंग कंडीशन को भी मेजर करते रहना चाहिए। सैनिटाइजेशन एंड वेस्ट प्रोडक्ट को भी कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, एश्योरेंस दैट फाइनल प्रोडक्ट विद इन द लीगल एंड स्टेबल्ड मार्केट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ओके स्टूडेंट, स्टेप फॉर इंश्योरिंग फूड क्वालिटी, ठीक है, कि फूड क्वालिटी अच्छी है या नहीं उसके कुछ स्टेप दिए गए हैं। फर्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इंश्योरेंस आर टू स्टेप फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी। ठीक है, एक तो क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए और दूसरा क्या है क्वालिटी एश्योरेंस भी होना चाहिए कि सही क्वालिटी है या नहीं है। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल इज द एवेल्युएशन ऑफ ए फाइनल प्रोडक्ट प्रियर टू इट्स मार्केटिंग। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल का मतलब है जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको एवेल्युएट किया जाता है उसको कि वो सही बना है या फिर नहीं बना है। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन क्वालिटी चेक एट द एंड प्रोडक्ट। ठीक है, क्वालिटी उसकी चेक की जाती है जो एंड प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, सपोज आपको जेली बनानी है तो जेली को चेक किया जाएगा वो ट्रांसपेरेंट है या नहीं, अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो मीन्स वो प्रोडक्ट सही नहीं बना, उसको क्वालिटी कंट्रोल नहीं की गई है।
क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब क्या होता है? क्वालिटी एश्योरेंस इज सिमिलर टू क्वालिटी कंट्रोल बट हैज मोर टू डू विद द प्रोसेस देन ए प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब ये सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट नहीं देखा जाता, क्वालिटी एश्योरेंस में उसका प्रोसेस बनाने का जो प्रोसेस है उसको भी देखा जाएगा। इट इज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्विक क्वालिटी चेक एंड प्रोसीजर टू इमीडिएटली करेक्ट एंड फेलियर एंड मिस्टेक दैट इज एबल टू रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ इंटरिम प्रोडक्ट एज एवरी प्रोडक्शन स्टेप। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर कोई भी चेक करना चाहिए उसको, कोई भी प्रोडक्ट बनाना चेक करना चाहिए, अगर उसके अंदर प्रोसीजर के अंदर कोई भी फेलियर है, कोई भी मिस्टेक है, तो उसको अच्छे से साफ करना चाहिए। सपोज आप जेली बना रहे हो लेकिन जेली का पानी बनते समय ऊपर आ रहा है, तो वो किस बात का साइन है? वो इस बात का साइन है कि आपने शुगर कम यूज़ किया, तो आप शुगर और ज़्यादा जाके उसको जो मिस्टेक है उसको आप सही कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, इतना ही करना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं करना है। नेक्स्ट आ जाए वो आपका ओवरऑल फूड क्वालिटी। ठीक है, ओवरऑल फूड क्वालिटी का मतलब एक तो है पब्लिक हेल्थ सेफ्टी, एक है हैजार्डियस वर्ल्ड। पब्लिक हेल्थ सेफ्टी के अंदर क्या क्या है? एक तो क्वालिटी फूड होना चाहिए, क्वालिटी एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। ठीक है, एट्रीब्यूट्स का मतलब है वो बाहर से फिजिकल केमिकल और न्यूट्रिटिव वैल्यू सब अच्छे होना चाहिए। ठीक है, हैजार्डियस प्रोफाइल क्या है? नो फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, तो हैजार्डियस प्रोफाइल के अंदर नो फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन मतलब ह्यूमन के लिए कंजप्ट करने के लिए वो कंजप्शन के लिए सही नहीं है। ओके स्टूडेंट, ठीक है, तो इसकी फिजिकल केमिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट की बात करें तो फिजिकल केमिकल सेंसरी न्यूट्रिटिव मैक्रोबियल। ठीक है, फिजिकल के हिसाब से उसका साइज अच्छा होना चाहिए, शेप अच्छी होनी चाहिए, वेस्कोसिटी थिकनेस ये सही होनी चाहिए। केमिकल का मतलब क्या है? अप्रोक्सीमेट कंजप्शन कंपोजिशन होनी चाहिए, डिटीरियोरेटिव पैरामीटर सही होने चाहिए। सेंसरी की बात करें तो कलर है, स्मेल, टेक्सचर ये सही होना चाहिए। न्यूट्रिटिव की बात करें तो उसमें विटामिन है, मिनरल्स है, एंटीऑक्सीडेंट ये सारे सही होने चाहिए। कन्वीनियंट का मतलब है पैकेजिंग, शेल्फ लाइफ, प्रोसेसिंग सही होनी चाहिए। माइक्रोबायल का मतलब उसके अंदर ईस्ट, पैथोजन, मोल्ड की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये वाला छोड़ देना। क्वालिटी सिस्टम की अपने बात करें, क्वालिटी सिस्टम की, ठीक है, तो क्वालिटी सिस्टम की बात करें तो एक है फूड लॉ है, लेजिस्लेशन। ठीक है, फूड लॉ की अपने बात करते हैं। फूड लॉ क्या है? देर इज़ ए नंबर ऑफ फूड लॉ बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय द वेरियस मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट दैट आर प्राइमरी मींस टू पर्पज, रेगुलेशन ऑफ स्पेसिमेन ऑफ फूड एंड रेगुलेशन ऑफ हाइजीनिक कंडीशन ऑफ प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, पहला तो ये है कि जो स्पेसिमेन फूड दिए गए हैं, फूड के लिए स्पेसिमेन दिए हैं, वो अच्छे से फॉलो हो। सेकंड क्या है? रेगुलेशन ऑफ हाइजीन कंडीशन ऑफ प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग, जो प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग है हाइजीन कंडीशन में वो अच्छे से रेगुलेट हो पाए। ठीक है, सम ऑफ दीज फूड लॉ मैंडेटरी हैं और वॉलेंट्री भी हैं। ठीक है, जितनी भी इंडस्ट्री हैं एग्रीकल्चर या फूड सेक्टर से रिलेटेड, उन सब को ये जो भी फूड लॉ बनाए जाएंगे इंडिया के अंदर वो सारे फॉलो करने पड़ेंगे। फूड लॉ आर सेटअप एंड एस्टैब्लिशमेंट अथॉरिटी रूल फॉर द मेजर ऑफ क्वांटिटी, वेट एंड वैल्यू एंड क्वालिटी। फूड लॉ आर एसेंशियल टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म यूनिटी फॉर वेट की एंड मेजर, उसको मापा भी जा सकता है। द पर्पज बेनिफिट ऑफ फूड लॉ आर हेल्पफुल फॉर फार्मर एंड अदर पीपल। ओके, इंगेज इन हार्वेस्टिंग एंड फूड प्रोडक्शन दोज हु आर इंगेज इन प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फूड फॉर कंज्यूम एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। ठीक है, तो ये क्या है? ये सारे जो भी फूड प्रोडक्शन होगा, ये सारी प्रोसेसिंग है, मार्केटिंग है फूड की, कंज्यूमर की, गवर्नमेंट जैसी, ये सारी इंगेज होती हैं और पीपल को भी इंगेज करती हैं, हाल है फार्मर को भी इंगेज करती हैं, ताकि जो पैरामीटर्स हैं उनको अच्छे से फॉलो अप किया जा सके। ठीक है, लेजिस्लेशन गवर्निंग फूड इंडस्ट्री इन इंडिया, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसको छोड़ दो, लेजिस्लेशन इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये सेक्टर के नाम तुम्हें याद रखने हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? जिनेवा के अंदर है। ठीक है, तो जिनेवा के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो वहाँ नहीं है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम इटली के अंदर है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ISO की फुल फॉर्म है, बाकी छोड़ देना, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ISO अपने है, ये CAC छोड़ देना, हैजार्ड एनालिसिस हैकैप अपने करेंगे और ये भी अपने करेंगे। ठीक है, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है, ठीक है, तो ये अपने क्या है, कल किया जाएगा ये। ठीक है, ISO हैजार्ड ये अपने कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, दोनों हैं अपने सिलेबस में।
ठीक है। और बाकी ये वाले इनके क्या है, इन सब के जो मैंने नाम बताए आपको, हेडक्वार्टर वो याद रखने हैं, पेपर में हेडक्वार्टर पूछी जा सकते हैं, ठीक है, बाकी कल कराएंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, स्टे होम स्टे सेफ।